प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के पहले मेरा शीर्षक है बढ़ती आबादी नाले के पानी में डूबता स्मार्ट सिटी। महोदय, इसलिए मैंने इस जो है शीर्षक को रखने का काम किया महोदय कि बहुत सारे लोग हमारे साथी बोलते थे कि बोलते नहीं, तो मैंने उसमें एक शेर अर्ज किया है, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था बोलता नहीं, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर देना। महोदय, सभापति महोदय, मैं इस बात को इसलिए आगाज कर रहा हूं महोदय कि आपके सामने आपने सबसे पहले आपने जो है इस बजट में हाउस फॉर ऑल की बात किया है, जिसमें सबको घर, सबको रहने का छत, सब गरीबों को जो है मान और सम्मान मिलने की बात आपने इस बजट में लाने का काम किया है महोदय। लेकिन आपकी सरकार ने झुग्गी झोपड़ी से लेकर तमाम जो मलिन बस्ती में बसने वाले लोग हैं जिनको जो है रहने का घर नहीं, आप उनको उजाड़ने का काम करते हैं, आप उनको बसाने का काम नहीं करते। आप उस मलिन बस्ती में रहने वाले तमाम जो लोगों को घर का और छत देने की वादा किया था, आपने उस छत को छीनने का काम किया है और गरीबों के जो मान और सम्मान पर ठेस पहुंचाया है। लेकिन जब पिछली सरकार थी आदरणीय जन जन के नेता लालू यादव जो है जब जो है सरकार में थे, तो आपको अम्बेडकर कॉलोनी जो है बनाने का काम इसी शहर में करने का काम किया था। इसी शहर में चितकोहरा ब्रिज के नीचे गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बेसहाय को जो रोड पर सोते, आप कभी आप सोचने का मौका नहीं मिला होगा। हम माननीय मंत्री सभापति महोदय इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं, जब हम लोग जो है डेली रोड में जब जो है ऊपर पुल से चलते तो रोड पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर रोड पर सोने का काम करते हैं। आपने कभी इस जो है बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं किया जो आदरणीय जन जन के नेता लालू यादव ने जो काम किया है, जो गरीब गुरबे को बसाने का काम किया था उसको उजाड़ने का आपने काम किया है। इसी तरह से आपने कहीं ना कहीं मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग, उनकी सफाई की व्यवस्था, समुचित जो है व्यवस्था जो है छिड़काव की व्यवस्था, कहीं जो है टीकाकरण की व्यवस्था, जिन तमाम चीजों को आपको देने का काम होना चाहिए था महोदय, आपने कहीं भी उन लोगों के प्रति करने का काम नहीं किया है। आप बल्कि ये कहते, ठीक किसी शायर ने कहा है कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख प्यास से, सब लोग कह रहे थे कुछ खाकर मर गया है। आप लोग जब जो है मुजफ्फरपुर में लोग मरते हैं तो आप कहते हैं कि खाकर लीची खाकर मर गया, कहीं जाए दवाई के अभाव में मरता। आप वैसे लोग पर जो है जो इस तरह की आलोचना करने का काम करते, मुझे लगता है गरीबों का आप मजाक बना रहे हैं।